गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से उत्तर बिहार में बाढ़ आ गई है। सेवा समर्पित फाउंडेशन की तरफ से आज हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार एवं प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। इस बाढ़ राहत कार्यक्रम में आई ग्लैम मिसेज बिहार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष बबीता मिश्रा, नेशनल सेक्रेटरी सोनल सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम आगे भी ऐसे आयोजन करते रहेंगे, समय समय पर बाढ़ राहत कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा जिससे लोगों की मदद हो सके। आज करीब करीब 150 से 200 लोगों के बीच हमने राहत सामग्री बांटी है और सेवा समर्पित फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने ये कार्य किया है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिनको रहने की अभी असुविधा है, तो हम लोग तो रहने के का इंतजाम देके सरकार से यही गुजारिश करेंगे, इन लोगों को सुरक्षित स्थान पे दे दिया जाए, क्योंकि यह 4 लेन है और बिहार में बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती है और ये हाजीपुर लेन के पास है, तो ये जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लोग खुद व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार से यही मांग करती हूँ मैं कि सरकार इन लोगों की अभी तत्काल जहाँ स्कूल है, जहाँ अच्छी सुविधा है, वहाँ पे इन लोगों का स्थान बना दे, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन खाली है, उस जमीन को भर दे। और ये लोग बुरे बच्चे लेके रोड पे आके रह रहे हैं, इनकी अवस्था बहुत खराब है। मैं यहाँ आई हूँ सेवा समर्पित फाउंडेशन के तहत, मैं एक लोक गायिका बबीता मिश्रा, सेवा समर्पित फाउंडेशन की बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। मेरा एक सामाजिक नाता है, मैं समाज से जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपने और अपने सेवा समर्पित फाउंडेशन के तहत कुछ सामग्री, खास सामग्री बांटने की प्रक्रिया रखी है। मैंने अभी 150-200 लोगों को राहत सामग्री बांटी है। आगे भी चलता रहेगा? हाँ, ये आगे भी चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। मैं इतना चाहूँगी सरकार अपनी आँखें खोले, लोग सड़क पे आ रहे हैं, लोगों का जान माल का नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि आप देखें कि खास करके महिलाएं और बच्चे कितने दुखी हैं। मुझे देखकर तो रोना आ रहा है, मुझे चक्कर आ गया। मैं यहाँ खड़ी थी घंटों से, मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो आप सोचिए कि बाढ़ से, आप पीछे देख सकते हैं, पूरा बाढ़ का पानी भरा हुआ है। आप देखिए पीछे पलट के, रहने के लिए जगह नहीं है, लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ पे आके रह रहे, रोड पे आके रह रहे, रोड पे भी इनको इनकी जान, ऐसा नहीं है कि इनकी जान की जान बचे हुए हैं, इनका जान का नुकसान तो होना ही होना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, शौचालय के लिए उन लोगों को दर भटर ठोकर खाना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से अनुग्रह करूंगी, अगर स्कूल है, सरकारी जगह है, अच्छी जगह है, तो आप महिलाओं और पुरुषों को, बुजुर्गों को अपने कुछ दिन के लिए यहाँ पे, आप ही लोग, बिहार सरकार है, आप सरकार है, आप कुछ कर सकते हैं। इन महिलाओं के लिए कुछ कर दीजिए, इन बुजुर्गों के लिए कुछ कर दीजिए, इन लोगों को कुछ दिन के लिए राहत दे दीजिए। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि ये अभी नहीं लग रहा है कि तुरंत पानी खत्म होने वाला है। और एक दिन इन लोगों को खाने के सामान अगर वितरण करते तो 1 से 2 दिन इन लोगों का चलेगा। और हमको लगता है कि हमारे जैसे छोटे छोटे और भी एनजीओ हैं बहुत सारे, जो सारे मिलकर इन लोगों की मदद करें ताकि ये लोगों को खाने की सुविधा हो। आप लोग एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना 2-3 दिन के अंदर पानी की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि सब घर अपना छोड़ के रोड पर रहने को मजबूर है। एक साइड इतना चालू रोड है कि रात बिरात अगर दिन में भी अगर बच्चे एक आध भी चापा पड़ जाते हैं, अगर मारे जाते हैं, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगी। मैं प्रशासन और यहाँ की वैशाली जिला के DM की ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि इन लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो सारे लोगों को लेकर मैं कचहरी फील्ड भर दूंगी। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि इतना बुरा स्थिति है, इतना बुरा स्थिति है कि एक ही जगह ये लोग खा रहे हैं, वहीं पर शौचालय जा रहे हैं, इससे महामारी की भी बीमारी उत्पन्न होगी ये लोगों की। तो हम बिहार सरकार से और अपने वैशाली जिला प्रशासन और यहाँ के DM से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये लोगों पर ध्यान दें, ये लोगों की रहने की उचित व्यवस्था करें, उस स्कूल में ताला खुलवाएं और ये लोगों को वहाँ रहने की व्यवस्था करवाएं। कॉलेज भी बहुत सारे ऐसे बंद हैं जो पड़े हुए हैं, वहाँ खोल कर ये लोगों को रहने की व्यवस्था करवाएं, वरना ये कचहरी फील्ड भरेंगे। मैडम, क्या आपको लगा, आप क्षेत्र में आपने बाढ़ पीड़ितों के बीच गए हैं, क्या महसूस किया? काफ़ी दलदली स्थिति है उन लोगों की,
हमने ऐसा महसूस किया। और सोनल जी जो बोल रही हैं और इसके पहले बबीता मैम भी जो कुछ कही हैं, हम उससे सहमत हैं उनसे, समझे, और उसी में भागीदारी बन के हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जैसे भी इनका हक बने हम लोग कैसे दिलवाएं वहाँ तक, और रहने सहने का व्यवस्था, खाने पीने का, शौच का ठिकाना नहीं है इन लोगों को, इस सब के लिए तो छोटे छोटे एनजीओ से ही नहीं होगा, एक दिन दो दिन लोग चला रहे हैं ठीक है, लेकिन आगे भी सरकार से प्रशासन से सबसे हम लोग डिमांड करेंगे जी। कौन से एनजीओ का पाया? हाँ, सेवा समर्पित फाउंडेशन से हम हैं, जिला महासचिव कुमारी रेणु बोल रहे हैं।